दाता भला करे, मैं आप जी के साथ एक नई सीरीज में अनहद का सफर यानी अनहद की यात्रा के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसकी तैयारी के लिए मैंने जो है आप जी के साथ इससे पहले 3 ऑडियो दी हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि हमें अपने शरीर को ठीक करना होगा तो हम अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सी जो साधक भाई बहन हैं उनको ये प्रॉब्लम थी कि पेट में गैस बनती है, उससे आपके सर में बोझ रहता है, सर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, यानी पेट के ऊपरले हिस्से में अगर गैस बनती है तो ऊपरी हिस्सों में ये अपना दबाव डालती है तो थोड़ी प्रॉब्लम बैठने में आती है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हारे संशय निवृत्त होने चाहिए, आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पे सफल होऊंगा, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी, चाहे मेरे को कोई भी साधन मेरे गुरु महाराज द्वारा या जो हमें समझाने वाले हैं वो बताए, जो रास्ता श्रेष्ठ परमात्मा आपके लिए बनाएगा उसी रास्ते पे चल के आप परमात्मा की कृपा को पाएंगे। और 3 नंबर में मैंने छोटी छोटी जो टिप्स दिए थे, कुछ मीठी कुछ कड़वी बातें कह के मैंने उसमें बहुत सी शंकाओं का समाधान किया है, रास्ते में आने वाली बाधाओं का जो है ना उसमें मैंने आपके साथ समाधान साझा किया था। और आज जो ऑडियो विशेष है ये बहनों के लिए है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो रोल है वो है इस मोबाइल का। बहुत से घरों में जो माताएं हैं या बहनें हैं वो अगर आध्यात्मिक यात्रा पे निकलती हैं यानी सिमरन ध्यान शुरू करते हैं तो उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रॉब्लम ये आती है कि उनका मन करता है कि हमारे घर में जो सदा है ना वो कीर्तन होता रहे, भजन होता रहे या कथावार्ता जो है ना वो चलती रहे। और परिवार में 4 जी हैं, 6 जी हैं तो एक को तो ये अच्छा लगता है, लेकिन जो मांसत और दूसरे सदस्य हैं उनको हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता, उनको ये शोर लगता है। और वो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो विशेषकर उस बहन को बैठने नहीं देती, उसको परेशान करती है। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी ऑडियो दी है, निजी रूप में भी मेरी बहुत सी बहनों के साथ इस पर चर्चा हो चुकी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैंने उनसे ये कहा है कि आप मोबाइल के ऊपर जो भजन कीर्तन लगाती हैं वो बंद कर दो। विशेष दिक्कत ये आती थी कि जब भोजन का समय होता है तब जो है ना ये किचन में इसके ऊपर कीर्तन या भजन लगा देती हैं। उनकी धारणा उनके अनुसार ठीक है कि ये भोजन बनेगा तो उसमें परमात्मा का जो हम लोग भजन कीर्तन लगाते हैं उसका कोई असर होगा। हाँ, ये समझने वाली बात है, उसका असर नहीं होता क्योंकि वो डेड साउंड है, उसमें जो है वो तरंग पैदा नहीं होती, वो रेडिएशन पैदा नहीं होती। तो मैंने उनको ये समझाया था कि आप सिमरन करके भोजन बनाओ और इसको बंद कर दो। और उसके लिए मैंने अक्सर सदा ही ये सुझाव दिया है कि आप जब किचन में जाओ तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दो। जब आप किचन का काम सब समेट लो, निपटा लो, तो उसके बाद अपना मैसेज बॉक्स में जाओ, देखो
किसका कॉल आया है उसको कॉल बैक करो। इससे जो आपकी रसोई बनेगी वो जो है ना परमात्मा के नाम के साथ वो गुरु का लंगर जैसे होता है वो बन जाएगा और अमृत बन जाएगा। आपके परिवार वाले जो है ना वो आपकी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे कि ये कुछ भी नहीं करती है। उनके मैंने ये विशेष बहनों के लिए कहा है, तो चाहे भाई भी हैं वो भी अगर ऐसा करते हैं तो उनको भी जो है ना ये मैं सावधान कर रहा हूँ कि छुपा के रखो अपने आप को। देखो आप अक्षरी नाम का स्मरण करते हो, अक्षर आपको आपके गुरु महाराज ने दिया है या आपने अपनी मर्जी से लिया है, कैसे भी आपके अंतर में उसके साथ जो है अटैचमेंट हो गई है, जुड़ाव हो गया है, तो उसको अपने मुंह में अपने जाप करना है। तो ये सावधानी ये बहुत जरूरी है। बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, चार केस ऐसे आए जिनमें पति पत्नी का इस बात में जो है ना वो मन मटाव हुआ और बात जो है ना वो एक दूसरे को छोड़ने तक पहुंच गई भी, या तो तू या परमात्मा के नाम को छोड़ दे या मेरे को छोड़ दे। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने जो आपको पहले बताया है यही रास्ता उनको बताया, तो 10 दिन में वो मेरे को फ़ोन आए उनके कि बापू जी हमारे घर में शांति आ गई है, अब हमारे घर में जो है ना वो परमात्मा का नाम सुनाई नहीं देता, लेकिन मैंने अपना समय बढ़ा दिया है। मैंने बहनों को विशेषकर ये समझाया है कि आपके पास जितना समय है स्मरण करने के लिए, तो कोई बड़े से बड़ा संत फकीर भी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मेरे पास 12 घंटे टाइम है स्मरण करने का। देखिए सुबह उठना, बेड से पहला पैर नीचे रखना, तब आप शुरू कर दो अपना नाम, चाहे आप सतनाम कहते हो, चाहे आप वाहिगुरु कहते हो, चाहे आप राम कहते हो, चाहे आप ओम कहते हो, जो भी अक्षर आपको आपके गुरु महाराज ने दिया है उसका आप स्मरण करो। क्योंकि मैं अक्सर जो है ना वो कहा करता हूँ कि राम राम ये सबसे आसान है इसका स्मरण कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु ये आसान है इसका स्मरण कर लो। लंबा भी आपके गुरु महाराज ने शब्द दिया है तो उसके बीच में से एक अक्षर को निकाल लो, उसके साथ जुड़ जाओ। 3 हैं 5 हैं 7 हैं 10 हैं जितने भी हैं उनमें से कोई एक जो है उस अक्षरी शब्द को उठाओ और उसका स्मरण करो। तो बहनों ने कहा कि हमें बापू जी आपके बताए हुए रास्ते से जो है ना वो स्मरण का टाइम भी मिल गया। देखो मैंने कहा कि आपने भोजन बनाना है, देखो सब्जी बनानी है, उसको छीलना है, काटना है, उसको बनाना है, कड़छी चलनी है, अपने चपाती बनाने के लिए आटा गूंदना है, आपके हाथ चलेंगे, रोटी बेलनी है, रोटी पलटनी है, तो बर्तन मांजने हैं, आप उसके साथ अपना स्मरण जोड़ो। इससे 3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि जिसको इसमें रुचि नहीं है उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि आप स्मरण कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ का स्मरण किया हुआ उस गिलास में जो पानी होगा वो भी उनके अंतर में जाके उनकी प्रवृत्ति को बदलेगा। आपके हाथ का बना हुआ भोजन उनको अंदर से जो है ना वो मालिक की बंदगी के लिए एक ना एक दिन जरूर प्रेरित करेगा। एक तो ये फायदा होगा, उनकी शांति आ जाएगी, और दूसरा ये हो गया कि उनको मिल गया, और आपके पास तीसरा जो है वो समय बढ़ गया। और सबसे जो बड़ा इसका फायदा होता है वो आप अक्सर सवाल करते हैं तो उसको आज मैं आप जी के साथ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप निरंतर अक्षरी शब्द का जाप करते रहेंगे तो आपको मन के साथ जो है ना वो मौका ही नहीं मिलेगा, आपके मन को मौका ही नहीं मिलेगा कि आपके साथ कुछ खुराफात करे, कोई शरारत करे, आपको कहीं इधर उधर भटकाए। देखिए बिल्कुल सीधी साधी ये बात है, आप बोल रहे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात सुनता ही नहीं है। आप कब तक बोलोगे? आप ये कह के उठ जाओगे ना
अरे भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तू तो मेरी सुनता नहीं है, चल मैं तो जाता हूँ। तो जब आप मन की सुनोगे नहीं तो आखिर में वो कोने में लग के बैठ जाएगा और आपका अनंत दुगना चौगना हो जाएगा। और इस तरह से जो आपको नकारात्मक तरंगे जैसी वो आपके पास से हट जाएंगी, घर में पॉजिटिव रेडिएशन सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, मन आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपका सेवन जो है वो अंतर में निरंतर चलता रहेगा। सो ये बातें हैं, कहा मैंने यही है कि ये ऑडियो महीनों के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है। और दूसरा जो मैंने शुरू में कहा था कि मेरी ऑडियोस आप सुनते हैं, आप किसी न किसी ग्रुप में जो है ना वो शामिल है, ये मत समझिए कि आप उसको अपने ग्रुप में डालोगे कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये मत सोचो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हो सकता है मालिक ने आपके माध्यम से किसी और का भी भला करवाना हो, तो इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे जाइए इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स में इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, आपके जो पब्लिक है फेसबुक पब्लिक है उसके उसमें इसको इसको करिए। आप ये सोचो कि आपने किसी का रास्ता जो है ना बंदगी का उसमें सहारा बनना है, किसी को बताओ किसी को समझाओ नहीं समझेगा, किसी को कहोगे तो आपको परेशानी होगी क्योंकि ऐसे नहीं मानने वाले हैं। देखो आप अगर कोई मेरी ऑडियो 100 बंदे को भेजते हो, एक ग्रुप में 100-100 200-200 400-400 लोग भी होते हैं और 4-4 5-5 ग्रुप में हम लोग मेंबर होते हैं, तो मैं डालता हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए। वो क्या कहते हैं, आप जबर करेंगे ना वो नाले पुण्य तो नाले फलियां, आपको भी जो है ना इसका परमेश्वर के दरबार से जो है ना वो क्रेडिट मिलेगा, आपके नाम में भी चला जाएगा कि हाँ इसने भी कोशिश की है, परमात्मा की तरफ से ये कहा जाएगा इसने भी कोशिश की है मेरे नाम को आगे फैलाने में। सो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आप गौर कीजिए, सारी सुनो, ध्यान से सुनो, दो बार सुनो और एन एकांत में शांत होकर उसको सुनो, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है ना उसमें बहुत तेजी से उन्नति होगी। और धन्यवाद, दाता भला करें।